share together. बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मनु पंजाबी जल्द ही एमटीवी के शो डे टू रिमेम्बर लेकर आ रहे हैं। इस शो का कॉन्सेप्ट कितना अलग है, चलिए खुद मनु से ही जानते हैं। बेसिकली ये ट्रायल्स के बीच में शो है। एक लड़का है जो कंफ्यूज है दो लड़कियों के बीच में, अपनी एक्स और प्रेजेंट के बीच में, जो मैं मानता हूँ शायद आमतौर पर हम लोग भी रहते ही हैं अपनी ह्यूमन रूटीन लाइफ में, कि हमारे पास में एक गर्लफ्रेंड होती है लेकिन हमें उसमें अगर कुछ उसके नेचर से प्रॉब्लम हो रही होती है तो हमको हमारी एक्स याद आ रही होती है कि यार नहीं मेरी एक्स उससे बेटर थी। सो इस कंफ्यूजन और इस डिलेमा को लेकर के ये लड़के यहाँ पे आए हैं अपनी एक्स और प्रेजेंट के साथ में। सो हमने कोशिश की एज ए मेंटोर कि उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सके, तो इसी सब के बीच में घूमता हुआ ये सारा शो है। और है इसके अंदर दिव्या अग्रवाल, जिसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था प्रियांक के साथ में, और हम जानते हैं कि सारी दुनिया को उनके ब्रेकअप के बारे में पता है, और स्पेशली इन 13 से 18 साल तक के बच्चों को या 25 साल तक के बच्चों को तो स्पेशली पता है, बिकॉज ये ब्रेकअप बहुत ज़्यादा फेमस भी पूरे इंडिया के सामने हुआ था। तो दिव्या है यहाँ पर जो बता सकती है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से लड़कियों को और लड़कों को सजेस्ट कर सकती है कि क्या गलतियाँ मैंने की थी या नहीं की थी, और आप लाइफ में कैसे बेटर तरीके से जा सकते हो। मैं किसी भी स्क्रिप्टेड शो में काम करता ही नहीं हूँ, ना करना चाहता हूँ इन फ्यूचर भी। मैंने कभी कोई बॉम्बे में ऑडिशन नहीं दिया, ना मैं करना चाहता हूँ किसी भी रियलिटी शो को, मतलब सॉरी किसी भी फिक्शन शो को, क्योंकि फिक्शन में आपके पास स्क्रिप्ट आता है, रियलिटी में आप खुद क्या हो, आप किस तरह के इंसान हो वो आप प्रेजेंट करते हो। सो मैं इस शो का पार्ट भी इसलिए बना बिकॉज इसमें कोई स्क्रिप्ट या लेटर मेरे हाथ में नहीं था। मैं अपने तरफ से चुनूंगा कि मुझे किसको शो का हिस्सा बनाना है, किस कंटेस्टेंट को कब मुझे सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज के तौर पर शायद बलिदान भी उसका करना है एज अ कंटेस्टेंट जब कोई टास्क आता है। तो ये टोटली मुझ पर डिपेंड था, मेरी टीम के लिए मुझ पर डिपेंड था, दिव्या के लिए दिव्या की टीम के लिए डिपेंड था, और लाइक इंदीप को अपने डिसीजन लेने थे। तो आपको इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, आप ओरिजिनली सामने आते हो। हाँ, लड़के लड़कियों ने अगर कुछ प्लान ये किया हो कि यार आज मैं अपने रूम में बैठ के सोचा हो कि यार नहीं मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपनी प्रेजेंट के या एक्स के साथ करूंगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ शो, बट इट्स अ कंप्लीट रियलिटी शो एंड आई एम ओनली अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसकी करंट गर्लफ्रेंड भी है। सो शो इज बेसिकली ऑन दैट ओनली ना, करंट और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ में ये लोग आए हैं जहाँ पे कंफ्यूज है। जेन्युइनली ये कंफ्यूजन मैं मानता हूँ हर वीकेंड में एक लड़के को जाता होगा, लेकिन पब्लिकली पहली बार सामने आ रहा होगा कि जो पहला गर्लफ्रेंड आपके साथ होती है, आप उसके अलावा भी अगर इधर उधर लेफ्ट राइट पर कभी देखते हो, या फिर आप स्पेशली टाइम ऑफ ब्रेकअप जब आप एक लड़की से दूर हटते हो और आपको इमीडिएटली कोई लड़की मिलती है, तो हम बेचारे सीधे शरीफ हिंदुस्तानी लड़के फटाफट से किसी और की गोदी में चले जाते हैं। एक्चुअली यहां पे भी लड़के कंफ्यूज हैं, यहां पे लड़कियां कंफ्यूज हैं, लड़के ज्यादा कंफ्यूज हैं। लड़कियां तो इतनी सॉर्टेड हैं, मतलब अगर ये कह रही है तो मैं बताता हूं आपको, लड़कियां तो इतनी सॉर्टेड हैं कि दो जनी आ गई, एक को चुनो और आगे बढ़ लें। ऑब्वियसली सर। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।